जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और दो बार मुझे यहां से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार को वोट डालना। शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं, जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रभुत्व जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके हाथ आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रभुत्व जनता जान पढ़ी लिखी नहीं है? हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस वोट के द्वारा, हम जनता की ताकत को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, और अगर जनता की ताकत इस वोट के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक मन सा बनाया।